Morning students, how are you? I hope you all are doing good. Okay, take care of yourself and don't forget wash your hands. Okay students, so students, previous class we learned about changing rupees. Okay, previous class mein humne kya dekha tha, changing rupees. Okay, and today we are going to learn about a new topic. So our new topic is conversion of rupees and paise. Conversion of rupees and paise means हमको rupees और paise में क्या करना है? Rupee को paise में, paise को rupees में convert करना है. Okay? So students, look here, look at the blackboard. आपको बहुत अच्छे से ये समझना है. Okay? We know that आपको अच्छे से पता है कि 1 rupees equal to 100 paise होते हैं. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं? 100 paise. ओके, 1 rupees is equal to 100 paise. ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 50 पैसे को हमने ऐड किया था. 50 पैसे क्वाइंस प्लस 50 पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू 1 rupees. ओके, सो 1 rupees इज इक्वल टू 100 paise. So look here, rupees 1 is equal to 100 paise. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं? 100 paise. So 1 rupees is equal to 100 paise. And just opposite, 100 paise बराबर क्या होता है? 100 paise is equal to rupees 1. Okay, 1 rupees is equal to 100 paise and 100 paise is equal to 1 rupees. Yes, friends. आपको अच्छे से लर्न करना है. एंड नाउ टेक एन एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू पैसे मींस रुपीस को हमको किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में. सो वी हैव चेंज कन्वर्ट इनटू पैसे मींस रुपीस को हमको किस में कन्वर्ट करना है? वी हैव चेंज रुपीस इनटू पैसे. ओके, नाउ कन्वर्ट रुपीस 5 इनटू पैसे. Convert rupees 5 into पैसे. हमको rupees 5 को किसमें convert करना है? पैसे में. So we know that rupees 1 is equal to 100 paise. So rupees 1 is equal to rupees का 1 is equal to 100 paise. Clear students? So हम 1 rupees की जगह क्या रखेंगे? 5 rupees. So rupees 5 is equal to, हम 5 को किससे multiply करेंगे? Multiply by 100 paise. 100 paise. So 5 rupees into 100 paise. 5 rupees. 5 rupees. Is 200 paise. So is equal to 5 ones are 5 and 20 paise. हमने क्या किया? 1 rupees is equal to 100 paise. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं? 100 paise. And rupees 1 की जगह हमने क्या रखा? 5. Rupees 5 is equal to, हम क्या करेंगे? 5 में किसे इंक्लूड करेंगे? Multiply by 100 paise. So 5 into 100 paise is equal to 500 paise. So we get the answer 500 paise. Clear students? Okay, now take one more example. Look here, convert rupees 6.75 into paise. मैंने आपसे पहले वीडियो में भी समझाया, प्रीवियस वीडियो में, हम डॉट का यूज क्यों करते हैं? A dot is used to separate the rupees and paise. मतलब ये dot जो है वो rupees और paise को क्या करता है? Separate करता है. Means rupees कौन सा है and paise कौन से. So rupees 6.75 paise into paise. मतलब इसको paise में convert करना है. So look here, rupees 1 is equal to 100 paise. So we know that rupees 1 is equal to 100 paise. Okay,
इज इक्वल टू 600 पैसे। अब हमने रुपीस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 रुपीस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, पैसे में। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, सो 600 पैसे। क्लियर, सो दस रुपीस 6 रुपीस 6 एंड कितने पैसे देखिए आप यहां 75 पैसे, रुपीस 6 एंड 75 पैसे। हम इसे ऐड करके देखते हैं, लुक हियर, सो 600 पैसे, यहां कितना है 600 पैसे प्लस यहां कितने देंगे लुक हियर 75 पैसे, 600 पैसे प्लस 75 पैसे 75 पैसे, ओके 75 पैसे, सो इज इक्वल टू, यस स्टूडेंट्स 675 पैसे। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड ऐड ऑल द पैसे, ऐड ऑल द पैसे 600 पैसे प्लस 75 पैसे दोनों को ऐड किया, क्या आंसर मिला हमें 675 पैसे। क्लियर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमें यहां क्या किया, रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे। अब यहां पर कितने पैसे हैं, सॉरी रुपीज कितने हैं, 6 रुपीज 6 इज इक्वल टू, हमने क्या किया 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 6 into 100 पैसे इज इक्वल टू 600 पैसे। हमने 6 रुपीज को क्या बना लिया, रुपीज 6 को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ओके एंड रुपीज 6 एंड 75 पैसे सो इज इक्वल टू 600। हमारा आंसर हमने 6 रुपीज को 100 में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला 600 पैसे प्लस 75 पैसे एंड हमने क्या किया एड ऑन द पैसे मींस दोनों पैसे को क्या किया है जोड़ दिया ऐड कर दिया, तो 600 पैसे प्लस 75 पैसे इज इक्वल टू 675 पैसे। क्लियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू रुपीस, हमें किसमें कन्वर्ट करना है रुपीस में, पैसों को किसमें कन्वर्ट करना है रुपीस में, सो स्टूडेंट्स टेक एन एग्जांपल, कन्वर्ट 800 पैसे इनटू रुपीस, 800 पैसे को हमें किसमें कन्वर्ट करना है रुपीस में एंड सेम 100 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 1। हमने अभी क्या समझा था कि रुपीस 1 इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं एंड 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस, सो सेम प्रोसेस 100 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 1। अब हमें 100 पैसे की जगह क्या रखना है 800 पैसे इज इक्वल टू, सो 800 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा रुपीस 8। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने 100 पैसे की जगह क्या रखा है 800 पैसे और 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। अब हमें जस्ट अपोजिट करना है कि 100 पैसे बराबर क्या होता है इक्वल टू रुपीस 1, सो 800 पैसे बराबर 800 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 8। 20 को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ओके रिमूव द 20 फ्रॉम द राइट साइड, ओके नाउ सो वन मोर एग्जांपल, कन्वर्ट 400 पैसे इनटू रुपीस, सो टेल द स्टूडेंट्स 100 पैसे बराबर 100 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 1। आपको ये अच्छे से याद करना है कि 100 पैसे बराबर 1 रुपीस होते हैं एंड 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, बस आपको इसको पुट करना है देन सॉल्व करना है, सो 100 पैसे, अब 100 पैसे की जगह हम क्या लिखेंगे 400 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 4, क्योंकि 100 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 1 होता है, तो 400 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 4, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस, सो 800 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 8। ऐसे ही हम सेम 300 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 3, 200 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपीस। क्लियर स्टूडेंट्स, सो कन्वर्ट इनटू
375 पैसे हमने क्या किया, 300 पैसे प्लस 75 पैसे।